अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आइए बढ़ते हैं आज की इस अहम ख़बर की जानिब। शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ इंतहाई ज़्यादा बाबरकत व करामती नामपली दरगाह यूसुफैन के सालाना 324वें उर्स शरीफ के इंतजाम का आगाज़ बतारीख 10 जून बरोज़ पीर को वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने वक्फ बोर्ड इंचार्ज व CEO सैयद लियाकत हुसैन, वक्फ बोर्ड के रुकन बंदगी पाशा और वक्फ बोर्ड के दिगर अमले के साथ मिलकर उर्स शरीफ के इंतजाम देखने के लिए नामपली दरगाह यूसुफैन का दौरा किया और यहां पर तमाम तर इंतजाम के बारे में मुकम्मल बारीकबीनी से जायज़ा लिया और मुतवली को हिदायत दी कि आने वाले ज़ायरीन के लिए किसी भी किस्म की तकालीफ का कोई सामना ना करना पड़े, जिसके चलते बेहतरीन इंतजाम किए जाए। वाज़ेह है नाज़रीन के 3 रोज़ा सालाना उर्स शरीफ का जश्न जो कि बतारीख 12 जून से शुरू होने वाला है, जो कि 12, 13, 14 जून तक जारी रहेगा। संदल माली जो कि बतारीख 12 जून को बाद नमाज असर तारीख़ी मक्का मस्जिद से शुरू होगा, जबकि 13 जून को चिरागा का अहतमाम किया जाएगा और 14 जून को समा की महफिल भी सजाई जाएगी। पेश इस खसूस में चंद मनाजिर। आप खुद सबसे ज्यादा अदब करना, क्योंकि सरकार के दखल में आप लोगों का रोजगार है, उनके संदर्भ को आप लोग जगह देते ना, हटा दें कोई दबाव उसमें प्रेशर नहीं और ना आपके लिए हम टाइट करें समझौते फिर हमारे पे आप लोग वो नहीं करना। आप उस वक्त देखे ना संदल का जूस उसमें आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत यूसुफ़ एन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 12 तारीख से, जिसका शुरुआत है 12 तारीख को संदल मुबारक से, उसके सिलसिले में इंतजाम के सिलसिले में आज यहाँ पर मैं, मेरे साथ हमारे वक्फ बोर्ड के मौजूद रुकन जनाब बंदगी बादशाह साहब और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन साहब और दीगर तमाम एम्प्लॉज़ के साथ, अमले के साथ, हमारे वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स और यहाँ के निगरानकार सब के साथ हम लोग यहाँ पर दरगाह शरीफ का और उसके अहाते का हम लोग जायज़ा लिए, इंतजाम का जायज़ा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम अच्छे हैं, क्योंकि ये हुकूमत आने के बाद ये पहला उरूस है और हुकूमत भी, क्योंकि ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब का ऑफिस इसको मॉनिटर कर रहा है कि ये उरूस बड़े एहतराम के साथ और इसका तकद्दस पामाल ना हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको हम बिल्कुल एहतराम के साथ इसको हम ये उरूस को मनाएँ, क्योंकि इसके बहुत सारे अकीदतमंद लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ारईन आते हैं, तो उनको तकलीफ़ ना हो, खाने का इंतज़ाम, उनको सफाई का इंतज़ाम, हर तरीके का इंतज़ाम हमको खुसूसतन ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से भी हमको कहा गया है। इसलिए हम खुद इसके तौर पर हम रास्त, मैं और CEO साहब और तमाम मौजूद मेंबरान इसको अपनी निगरानी में इसको ये इसका उरूस शरीफ का जो इख्तिताम तक हम 2-3 दिन हम लोग यहाँ पर अपने निगरानी इसको हम यहाँ पर करवाएंगे। किसी किस्म की हम यहाँ पर पुलिस का और किसी किस्म का जो भी यहाँ पर गैर समाजी अनासर कुछ गलत तरीके से कुछ हरकत न करे, उसके लिए पुलिस का भी माकूल हम इंतजाम, हम उनसे भी पुलिस के आला अदारों से भी हम बातचीत किए हैं और वक्तन फ़क्तन हम बातचीत करते रहेंगे। और तमाम यहाँ पर आने वाले जो ज़ारईन है और है सो यहाँ के जो लोग यहाँ पर अकीदे से जो आते हैं, उनके भी हमारी आप मीडिया के ज़रिए गुजारिश है कि इसकी तकद्दस को पामाल मत होने दीजिए इसकी, क्योंकि इसको अगर हम, ये हमारी एक हमारे बुजुर्गान दीन है, इनकी हम इनकी इनको अगर हम जितना एहतराम के इनके एहतराम का ख्याल रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका उसको कायम रखेंगे। इसलिए इसके लिए आप तमाम लोगों का ताउन भी ज़रूरत है और मैं ख़ुद भी यहाँ पर मौजूद मेंबरान के साथ, हमारे CEO साहब के साथ और जितने स्टाफ हैं उनके साथ, तमाम लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को भी हम यहाँ पर रहेंगे। हमारी उसमें निगरानी में हम यहाँ पर संदल मुबारक हो, उरूस हो, सबका हम दायरक हम उसकी निगरानी में हम करेंगे। तो यहाँ पर जो मुतवली साहब है जो भी और दीगर इससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, उन तमाम लोगों को हम कॉन्फिडेंस पर ले कर